अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद मेरे भाइयों। मैं आपकी बहन सैयदा नाहिदा कादरी, एनआरक्यू 24 न्यूज़ की एडिटर इन चीफ एंड खिदमत खल्क खशन की प्रेसिडेंट। जैसे कि आप लोग जानते हैं, 3 सितंबर ट्यूसडे यानी मंगल का दिन है आज। इस वक्त मैं पिसरबंडा, संतोष नगर पिसरबंडा आई हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं एक बेवा आंटी रहती हैं, उनकी एक बेटी है यहाँ पर। ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान है और इनके घर की जो आज मैं जो इनकी दास्तान सुनी, पिछले 6-7 दिन से मुझे कॉल कर रही थी और इनकी जो स्टोरी है, जैसा कि इनकी जो जिंदगी कहानी है, एक दिल को दहला देने वाली, एक बोल सकते हैं आप ऐसा वाकया है जो दिल को दहला दे सकता है। देखिए आप, ये अखबार में जो फोटो आई है, ये इनके बेटा और इनके शौहर की फोटो है। इनका जवान बच्चा है 15 साल का और इनके शौहर हैं जी। ये दोनों 2015 में ये लोग चनपटन गांव गए थे, जहां पर एक कनवा डैम है, वहां पर ये लोग तैरने के लिए, इनके वालिद साहब जो है, इनके शौहर जो है, हमारे ये जो आंटी, इनके शौहर वहां पर तैरने के लिए गए। और जब वहां पर वो तैरने लगे, अचानक से वो डूबने लगे और उनका बेटा उन्हें देखकर फौरी पानी में गया और अपने बाप को बचाने की कोशिश में बेटा भी उसी वक्त दोनों डूब गए। बाप तो डूबे, साथ में बेटा भी, उन्हें बचाने जाके बेटा भी डूब गया। यकीन मानिए, उस वक्त का जो मंजर था, इन लोगों का बहुत ज्यादा हाल परेशान, इन लोगों की आंखों के सामने ये लोग मंजर देख रहे थे, लेकिन कुछ नहीं कर सके, बेचारे बचा नहीं सके। यहाँ तक इतने ज्यादा परेशान हाल हो गए उस वक्त उनके आंखों के सामने का, आज भी वो ये आंटी वही कहकर रोती है कि आंखों के सामने वो मंजर है उनके। डूब कर मर गए थे लोग, कनवा डैम में डूब कर मर गए थे। आज भी अखबारों में भी आया था, ये न्यूज पेपर से भी ये न्यूज आई थी। और ये साथ में इनका डेथ सर्टिफिकेट देख सकते हैं, ये इनके शौहर का डेथ सर्टिफिकेट है हनीफ खान, और इनके बेटे का डेथ सर्टिफिकेट है निसार खान, और ये इनका इनकी बेटी है जो पीछे बैठी हुई है। बेटी इस वक्त बहुत ज्यादा बीमार है, जो पीछे आपको नजर आ रही है इनकी बेटी है जो बहुत बीमार है बच्ची। और ये इनकी बच्ची का आधार कार्ड है, ये इनका आधार कार्ड है। मैं पूरी इन्वेस्टिगेशन करी हूँ और पूरा यहाँ पर आने के बाद भी मुझे जब ये मैं इनके मुंह से जब मैं वाकया सुन रही हूँ, मुझे खुद एक अजीब सा, जैसा कि हम बस सुनते थे कि कहीं ऐसा हो सकता है बल्कि, लेकिन इनके साथ जो गुजरी है शायद ये बेचारी भूल भी नहीं सकती। और ये जो आंटी ये चाहती है कि इनका कोई सहारा नहीं है, एक बेटा था जवान 15 साल का, वो भी बच्चा मर गया और शौहर का भी इंतकाल हो गया, अब इनका कोई सहारा नहीं है। माँ बेटी अकेले हैं, पिछले 2 महीने से घर का किराया बाकी है, घर में खाने के लिए राशन नहीं है लोगों के, बेटी बीमार है इनकी बहुत दिन से, बेटी के इलाज के लिए पैसे नहीं है। तो बस ये आंटी चाहती है कि आपसे जो हो सका इनके लिए आप लोग मदद करिए, इनके घर के किराए के लिए मदद करिए, इनको राशन वगैरह के लिए मदद करिए आप लोग। इनको इस वक्त मैं खिदमत दखल अशन की तरफ से इनकी बच्ची के इलाज के लिए 500 रुपये दे रही हूँ मैं। 3000 रुपये ये घर का किराया है, पिछले दो महीने से इन्हों घर का किराया नहीं दिए आंटी, इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है, घर में राशन भी नहीं है। तो आपसे जो हो सका घर के किराए के लिए इनकी मदद करिए, राशन के लिए मदद करिए, बच्ची के इलाज के लिए आप मदद कर सकते हैं, या फिर आप लोग डायरेक्ट भी आकर मदद देना चाहें तो डायरेक्ट भी आकर इनके लिए मदद दे सकते हैं, राशन भी लाकर दे सकते हैं। आप खुद आइए, आकर आंटी से मिलिए, मिलकर उन्हें देख कर ही यहाँ पर उनके हालात देख कर भी आप मदद दे सकते हैं, किराए के लिए या फिर राशन के लिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे सिवाय अल्लाह के कोई नहीं है, आप लोग कुछ मदद के लिए हमारे को यह करो, बस हमारे को किसी का सहारा नहीं सिवाय अल्लाह के, बस उतना। मैं बहुत गमजदा औरत हूँ, मेरी दुआ लो अल्लाह के लिए, बहुत अल्लाह आपको अच्छा रखेगा, दुआ नहीं करेंगे। आपसे जो हो सका आप लोग इनकी मदद कर सकते हैं, 1000, 2000, 3000 जैसे चाहे मदद दे सकते हैं, या फिर राशन भी ला कर देना चाहते हो राशन ला के दीजिए, उनके घर के किराए के लिए थोड़ा मदद कर दीजिए। आप देख सकते हैं सिर्फ ये इतने से घर में रहती हैं, ये जो रहती है कमरा है और बाजू में किचन है उनका, और ये साइड में आप देख सकते हैं किचन है उनका, वहाँ पर बस इसी में पकाती हैं, यहीं पर रहती है मियाँ माँ बेटी दोनों रहते हैं यहाँ पर, इसी में इन लोगों का गुजारा है। और इसका किराया 3000 रुपये है, इनको 3000 रुपये किराया पिछले 2 महीने से नहीं दिए। और आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोग जो भी मदद दे रहे हैं खिदमत खल्क खशन के जरिए, आप जो भी मदद दे रहे हैं, आप ये रिसिप्ट ज़रूर लीजिए, ये रिसिप्ट से आप एक रिकॉर्ड रहेगा कि आपने किसे मदद दी है और कितनी मदद दी है, किसके लिए मदद दी है। तो मैं ये चाहती हूँ कि ये खिदमत खल्क की रिसिप्ट आप जो भी मदद दे रहे हैं, चाहे आप 100 रुपये क्यों ना हो, 500, 1000, 2000 जो भी आप मदद दे रहे हैं, ये बराबर रिसिप्ट ज़रूर ले लीजिए आप, जिससे आपका रिकॉर्ड रहेगा कि आपने किसके लिए कितनी मदद दी है। और मेरे इस वीडियो को आप लोग शेयर करिए, ताकि आपके शेयर करने से किसी ऐसे इंसान के हाथ में जा सकता है वीडियो, जिससे इनकी मदद भी हो सके। बस मैं यही चाहूंगी कि जितना जल्दी हो सके आप लोग इनकी मदद करने की कोशिश करिए। खुदा हाफिज़, जय हिंद।